देश में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास हो रहे हैं। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इस बीच चीन ने भारत को करीब 1,70,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के सुरक्षा सूट दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत को भी ये सभी सूट सोमवार को मिल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार घरेलू स्तर पर भी 20,000 PPE सूट प्राप्त हुए हैं। ऐसे में कुल 1,90,000 PPE सूटों को जल्दी ही अस्पतालों और डॉक्टरों को मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा देश में पहले से ही मौजूदा समय में 3,87,473 PPE सुरक्षा सूट उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अब तक राज्यों को 2,94,000 PPE सूट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। साथ ही राज्यों को 2,00,000 N95 मास्क भी भेजे जा रहे हैं। इनको मिलाकर 2,000,000 N95 मास्क केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहले उन राज्यों को ताज़ा सप्लाई दी जा रही है जो कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक जूझ रहे हैं। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा देश के बड़े मेडिकल संस्थानों एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, रिम्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इन वस्तुओं को भेजा जा रहा है।